ये गांव नौशेरा में, और नौशेरा में जो सरपंच है वो क्या नाम बेगम का, रुकैया बेगम यहाँ पर सरपंच है, और उनके जो कार्यवाहक है वो है भाई मुबीन जी। तो मुबीन जी से आज हम जानना चाहेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ, सरकार से कितना क्या कुछ सहयोग मिला। मुबीन भाई सबसे पहले मैं आपको नमस्कार बोल रहा हूँ, और बीपीएन न्यूज चैनल पर पहली बार आप जुड़ रहे हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और नमस्ते की शुभकामनाएं। तो मुबीन भाई बताएंगे आप थोड़ा सा गाँव में किस प्रकार का विकास हुआ। भाई विकास तो भी कोई भी रास्ता या कोई आंगनवाड़ी भी पहले कुछ अधूरी हुई थी वो भी पूरा कराया था, अब जैसे उनकी रिपेयर वगैरह सारी हुई है। और रास्ता 2 किलोमीटर की हमारी फिरनी है, 2 किलोमीटर की फिरनी में कोई 100 फुट का टुकड़ा भी पक्का नहीं था जी। अब आपने मौके में भी देखा होगा, चारों तरफ की जो 2 किलोमीटर की फिरनी है वो भी सारी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। गाँव की जो भी गली थी, एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी आपको, कोई भी कच्ची मिलेगी। और सर पानी की निकासी का क्या हिसाब है यहाँ पे? पानी का निकासी की हमें तकलीफ भी है कुछ, जैसे हमें पैसा मिला, कुछ नाली बनाई भी है, कुछ अधूरी है जी। अगर आपके उम्मीद लगाई बैठे हैं, आपके जनता ने वोट दी और सपोर्ट किया इस चीज का, तो आपके पूरी कराएंगे नाली को। तो देखिए मुबीन भाई ने कहा कि जनता जनार्दन है, बस्ती माता है, अगर बस्ती का सहयोग रहा, मैंने विकास कार्य करवाए, यदि मेरे काम को तवज्जो दी गई तो जनता मुझे दोबारा से स्वीकार करेगी और मैं दोबारा से जनता की सेवा करूंगा। तो दूसरी क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप सरपंच यदि बन जाते हैं दोबारा से तो और क्या करवाएंगे आप? एक तो जी जो हमें ज्यादा परेशानी, बच्चियों के लिए जैसे 8 मिडिल तक का स्कूल है जी, वो +2 कराना हमारा बहुत जरूरी है, बच्चियों के लिए भी आगे उठने के लिए कदम आसानी हुई थी उसमें। जैसे हम यहाँ से बच्चियों को कहरा के जाने में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, तो हम यहाँ +2 का स्कूल बना तो बच्चियों के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी और अपने युवा के लिए भी बहुत बड़ी आसानी होगी उस चीज में। दूसरा सर, दूसरा